सो हेलो फ्री फायर लवर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। सो गाइस सीरियसली, ये वीडियो आप सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो गाइस हमारा ग्लू वॉल का सेक्शन होता है एंड इसी के साथ साथ जो गाइस हमारा ग्रेनेड का सेक्शन होता है उसको गाइस आप अलग अलग कैसे लगा सकते हैं। जी हाँ गाइस, गाइस आपको लग रहा होगा कि ये कोई मजाक है, बट गाइस ये कोई भी मजाक नहीं है। गाइस मुझको पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब हमको ग्लू वॉल लगाना होता है तब गाइस हमको वहां पर से ग्रेनेड का ऑप्शन आ जाता है एंड गाइस हम ग्लू वॉल नहीं लगा पाते जिससे एनिमी हमारा किल करके चला जाता है। सो गाइस इसी का मैं आज आपको सलूशन बताने वाला हूं कि गाइस आप ग्लू वॉल एंड ग्रेनेड को गाइस अलग अलग कैसे लगा सकते हैं एंड कैसे आप एनिमी से बच सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो गाइस आप समझ सकते हैं ये वीडियो आप सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसी के साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस बिना किसी देरी के, बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हुए चलिए शुरू करते हैं हमने आज का वीडियो एंड शुरू करते हैं हमने आज का कार्यक्रम। सो गाइस इंट्रो के बाद आप सभी का स्वागत है एंड गाइस चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि गाइस आपको इसको कैसे लगाना है। ओके गाइस चलिए गाइस मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि ये हमारे गेम में लगता है या नहीं लगता। सो अभी देखिए गाइस मैं कस्टम हब पे आ चुका हूं एंड अभी आप ये मेरा एक कस्टम हब देख सकते हैं जो कि गाइस मेरा कस्टम हब कुछ आपको इस टाइप का मिलने वाला है। जी बहुत ही अजीब लग रहा होगा आपको मेरा कस्टम हब, बट गाइस ऐसा ही मेरा कस्टम हब है जिसको गाइस अभी आप देख सकते हैं। ओके गाइस एंड अभी आप इसको देख सकते हैं जिसको कि मैं कुछ इस टाइप का रखता हूं। सो गाइस अभी आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारे में तो खुद ही ग्लू वॉल एंड ग्रेनेड एक ही जगह से आता है, तब आप दूसरों को क्या बताओगे। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। चलिए मैं अभी आपको इसको पूरा कंप्लीट बता देता हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे चले आना गाइस, अगेन आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस आपको सिंपली कंट्रोल वाले ऑप्शन में आ जाना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल्स, तो आपको सिंपली कंट्रोल वाले ऑप्शन में चले आना एंड गाइस यहाँ पे आपको नीचे की तरफ चले आना है। गाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेनेड स्लॉट जिसको कि गाइस मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस एंड अभी आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेनेड स्लॉट, अभी आप इसको देख सकते हैं। ओके गाइस एंड इसी के सामने अभी आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन जिसको कि गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक में लिखा हुआ सिंगल स्लॉट एंड एक में लिखा हुआ डुअल स्लॉट। तो गाइस अभी जो मेरे गेम में है वो है सिंगल स्लॉट। ओके गाइस तो आपको गाइस अगर आपको ग्लू वॉल एंड ग्रेनेड अलग अलग करना है तब गाइस आपको यहाँ पर से डुअल स्लॉट कर देना है जिस तरह से मैं अभी डुअल स्लॉट कर दे रहा हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर से हमने इसको डुअल स्लॉट कर दिया है एंड इसके बाद गाइस अगेन आपको कस्टम हब में चले आना है। कस्टम हब में आने के बाद आपको अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाइस हमारा ग्लू वॉल का सेक्शन था एंड इसी के साथ साथ गाइस जो हमारा ग्रेनेड का सेक्शन था वो गाइस अलग अलग हो चुका है जिनको कि गाइस अभी आप अपने डिस्प्ले के सामने देख सकते हैं। सो गाइस आप इस तरह से गाइस इसको अपने हिसाब से गाइस सेट कर सकते हैं। जहां पर गाइस आपको ग्लू वॉल लगाना हो ग्लू वॉल लगा दीजिए एंड जहां पर से गाइस आपको ग्रेनेड लगाना हो तब गाइस आप वहां पर से ग्रेनेड भी लगा सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं गाइस इस तरह से आप इसको अपने गेम में सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैं गाइस यहां पर से सेट कर रहा हूं एंड अभी आप इसको देख सकते हैं जिस तरह से मैं अभी आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। गाइस जहाँ पर से गाइस आपको अच्छा लगे गाइस आप वहाँ से इसको लगा सकते हैं, बट गाइस मैं अभी अपने हिसाब से गाइस लगा रहा हूँ जिसको कि गाइस अभी आप देख सकते हैं। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर से मेरा जो कस्टम हब था वो कम्प्लीटली लग चुका है एंड अभी आप इसको देख सकते हैं। सो गाइस आप भी इसी तरह से गाइस अपने गेम में ग्लू वॉल एंड कस्टम हब का अलग अलग गाइस आप सेक्शन बना सकते हैं जिससे कि गाइस आपकी ग्लू वॉल और भी फास्ट लगेगी। बट गाइस इस सेटिंग को करने के बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गाइस आपका यहाँ पर से ग्लू वॉल अलग हो जाएगा एंड गाइस इसी के साथ साथ जो ग्रेनेड का सेक्शन है वो भी अलग हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसी के साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।